हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इसका टाइप वन पढ़ेंगे। इसमें मैं दो से तीन टाइप का बताऊंगा और एक दो पार्ट और आएगी, जिसमें मतलब आप जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बच जाएगी उसमें मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो क्या था है। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा, पहले ही बता देता हूँ। इतना ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो 15 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, लेकिन फॉर्मूला देख लीजिए, आप लोग भी जानते होंगे। पी इंटू 1 + R/100 इंटू एन, ये रेट है, ये टाइम है, ये प्रिंसिपल है, ये फार्मूला आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इस पर मैं सॉल्व नहीं करूँगा। तो देखिए, आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले आप बेसिक जान लीजिए, उस पर कोई भी टाइप आएगा तो उसी बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक जो बताऊँगा उसी पे पूरा डिटेल्स होगा। तो देखिए, अगर मान के चलिए आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,000 रुपया, रेट 10%, टाइम 2 ईयर, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, इस पे भी निकाल सकते हैं लेकिन इस पे नहीं बताऊंगा। तो देखिए, आपको प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 1,000, उसको ले लेंगे। देखिए, पहला साल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की तरह वर्क करता है। तो 10% मतलब 1/10 लिख सकते हैं इसको। तो 1/ इसको 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। फिर दूसरे साल 1/10, 100 रुपये। और देखिए, जब कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगता है, जो पहले दूसरा साल जो होता है, जो पहले साल वाला जो अमाउंट होता है उसी पे लगता है, जो सिंपल इंटरेस्ट, तो इस पे लग जाएगा कितना, 1/10 मतलब 10%। तो 1/10 कितना हो जाएगा, ये 10। तो देखिए, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, देखिए इसमें सिंपल इंटरेस्ट पहले ये हो गया आपका 200, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 210 रुपया। अगर ये 3 साल के लिए बोले तो यहाँ पे देख लीजिए, 10% यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग आ जाएगा 3 साल। तो 1/10, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। अब देखिए, सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं, दूसरा साल के लिए, तो पहला साल के जो 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट था उस पर लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब तीसरे साल के देखिए, तीसरे साल कौन कौन सा लगेगा, पहले साल, दूसरे साल और ये 10। दूसरे साल 10 रुपये जो हुआ था पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर भी लगेगा तीसरे साल इंटरेस्ट। तो इस 100 रुपये पे पहले देखिए, ऐसे बात करते हैं, इससे 100 रुपया, इस पे 10 रुपये होगा, सॉरी, इस पे भी 10 रुपया, और ये 10 रुपये के 10%, 10 रुपये के 10%, 1 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल, सिंपल इंटरेस्ट इस पे 300 और कंपाउंड इंटरेस्ट जो तो आपका हो गया, तो 10, 20, 31 और 1, 31, मतलब 331 रुपया। समझ गए, देखिए आपको अब प्रॉपर दिख रही होगी। तो यही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह वर्क करता है। तो चलिए, एक क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। देखिए, 10,000 रुपये पे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 10,000 रुपये ले लेते हैं पहले, हो गया 10% के लिए लिख सकते हैं इसको 1/10। तो 1/10 इसलिए कर लेते हैं कि इसको आपको डिवाइड करने में 10 सुन गया, मतलब कितना बच गया आपको, 100 से 2 0 जाएगा, 1, 2 और 1, 3, 1,000 रुपया। देखिए, 10/100 इंटू 1, 2 बच गया 1,000 रुपया। तो 1,000 ये हो गया, फिर 1/10 करेंगे तो 1,000 ये। अब देखिए, इस पे 10% इस पे लगेगा, फिर 10%, तो 10% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100
100 रुपये। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले सिंपल इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन आपका आंसर जो इसका है 2000 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 2100 रुपये, मतलब 2100 रुपये, 2100 रुपये टोटल हो गया। तो समझ सकते हैं, इससे बेस्ट ट्रिक आपके फॉर्मूला से जाइएगा, बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे 3 साल 4 साल के लिए भी इस पे आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 साल के लिए एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए 10000 रुपये, सेम क्वेश्चन है जिस पे 3 साल के लिए। तो मैं वही ट्रिक से बता रहा हूँ, 1/10, 1000, 1000, 1000, 1/10 करेंगे, इसका भी 1/10 करेंगे। अब ये दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये। तीसरे साल के लिए बात करते हैं तो देखिए इसके 100 रुपये, इस वाले के 100, और ये जो 100 रुपये है इस पर भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल, तो इसका 10 10 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए आपका अगर इसी में पूछते सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3000, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3310 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 310 रुपये की, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 310 रुपये का आपका डिफरेंस आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया आपका। देखिए कितना बेसिक से आपका, सॉरी अब देख रहे होगे प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं देखा नहीं कि कट रही थी वीडियो। देखिए 10000 रुपये है, 1/10 करेंगे तो 1000 रुपये, 1000, 1000, इसका 10%, 100 रुपये। तीसरे साल के लिए बात करें तो इस सब का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ इसका छोड़ के। तो देखिए इसका 100 रुपये, इस वाले के 100, और ये 100 रुपये जो आया था इसका भी 10%, 10 रुपये। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 3310 रुपये, और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 310 रुपये, मतलब 310 रुपये का डिफरेंस हो गया आपका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इस पे। देखिए टाइप टू में क्या है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से इतना रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत कम देखने को मिला होगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप देखिए आप कैसे कीजिएगा। 1/10%, 10% है तो 1/10 लिख सकते हैं। वार्षिक दर से 210 रुपया है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 210 रुपया है, तो मूलधन इसमें पूछा है। तो हम सपोज करते हैं 2 वर्ष के लिए है, ऐसे बना लेते हैं। यहाँ 1/10 किए हैं, यहाँ पे कोई डिजिट हो और इसका यहाँ पे ऐसे। अब देखिए मेरा 210 रुपया जो है कौन सा बोल रहा है, अब 210 रुपया यही ना बोल रहा है, यहाँ का ये और ये मिला के 10 रुपये, 300। तो यहाँ पे 100 रुपया अगर मानते हैं, यहाँ भी 100 रुपया, इसका 1/10 करेंगे तो कितना जाएगा 10 रुपये, तो यही ना पूछ रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा 210 रुपये। इसका मतलब कि यहाँ पे 1/10 किए हैं 100 रुपया, तो यहाँ पे 1000 आया होगा, 1000 रुपया, तो यही ना पूछ रहा है आपका मूलधन, तो यही मूलधन हो गया। देखिए कितना सोचने की बात है, जब 1/210 रुपया कौन होता है चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो दोनों मिल के जो 210 रुपया बोल रहा है, तो 1/10 किए हैं इसका, इसका मान के चलिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 100 होगा तब ना 10 यहाँ पे आएगा 1/10 का, तो मिला के कितना हो गया 210 रुपया। और इसका 1/10 कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, तो यही आ गया। देख लिए, अब देखिए
अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.1/2% की दर से 72 रुपया है। तो इसमें आपका मूलधन ज्ञात करने के लिए, तो 12.5% कितना होता है? 12.1/2, तो 25/200 लिख सकते हैं। आई कट के कितना जाएगा? 1/8। अब देखिए, अब अगर हम इसका एक और तरीका है, 2 वर्ष के लिए, तो 8 के स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 64 हो गया। तो मान के चलिए मूलधन अभी 64 है, 1/8 कीजिएगा, तो इतना कहाँ है, कितना जाएगा? 8, 1/8, इसका भी 1/8, क्योंकि 1/8% को मैं तोड़ के 1/8 कर लिया। अब इस 8 को भी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, इस पे भी, सेकेंड ईयर के लिए, तो कितना आ जाएगा? 1। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा वार्षिक दर से 72 रुपया है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 17 रुपये आ रहे हैं। यहाँ पे आपका, लेकिन देखिए यहाँ पे कहता 2 साल के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ 2 वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष मतलब सिर्फ कह रहा है दूसरे वर्ष के लिए ब्याज जो है इतना और इतना रुपए है, तो हम ये टोटल को नहीं लेंगे। यहाँ पे कहता 2 साल के लिए 2 साल, लेकिन सिर्फ कह रहा है कि दूसरे वर्ष, यहाँ पे मेंशन कर दिया क्वेश्चन, देखिए सिर्फ दूसरे वर्ष, मतलब कि ये वाली जो सिर्फ दूसरे वर्ष में कितना है? 9 रुपये। 9 रुपये से कितना बनाया? 72 रुपये। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से, तो 72 हो गया। देखें सिर्फ दूसरे वर्ष का रहा था, तो 72 रुपये हो गया। तो कितना से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, मतलब 64 में, यहाँ भी हमको 8 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे 72 रुपये दिया था वो पूरा है। तो यहाँ भी 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512 रुपये। आपका जो मूलधन था वो 512 रुपये हो गया। देखिए इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस वाली क्वेश्चन कराऊंगा, और उसका जो फार्मूला है वो भी बताऊंगा, और ट्रिक के साथ कैसे बनता है विदाउट फार्मूला वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको कैसे वीडियो लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।